Audio Jungle. जिनको हम लोगों ने सम्मान दिया वो कुछ प्राचार्य थे और कुछ यहाँ के शिक्षक थे, कुछ लोग प्राचार्य पद से रिटायर हुए और कुछ लोग शिक्षक थे जो रिटायर हुए यहाँ पर ही। शिक्षक समाज का आईना होता है, समाज को खड़ा करने में भारतीय भूमिका है जी। आप इस शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षक शिक्षक रहते हुए लेकिन काम नहीं करते? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मनुष्य मात्र की एक बड़ी विचित्र प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरे को उपदेश देने में ज्यादा यकीन रखता है। मैं ये मान के चलती हूँ कि हमारे साथ में जो है, मैंने अपने मंच पर अपने अतिथियों का अभिवादन भी किसी से बात के साथ किया था, मैं कुछ करूंगी और मेरे साथ वाले देखेंगे तो वो खुद कुछ करेंगे। यहाँ समय इस बात में जाया नहीं करना है कि कौन नहीं कर रहा है, जो कर रहा है देश उन्हीं के कारण आगे बढ़ रहा है और देश उन्हीं के कारण आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अटल जी के बारे में क्या ऐसा है कि महाविद्यालय का ये रजत जयंती पर आगे और 99 बच्चों से शुरू होकर एक बड़ा विद्यालय महाविद्यालय बना है। इसके लिए यहाँ का जो प्रबंध तंत्र और यहाँ के जो व्यवस्था के जो भी लोग थे वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। अब ये रजत जयंती वर्ष पर चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी यहाँ पर विशेष योगदान था, इसके उत्कर्ष में उनको स्मरण कर रहे हैं, एक सप्ताह बनाकर आज उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मानवता राष्ट्रवाद एवं राजनीति के काजी यदरूप इस विषय पर एक संगोष्ठी कराई। अटल जी को किन्हीं शब्दों में बांधना उनके लिए बेवानी होगा, क्योंकि वो शब्दों से नहीं ऊपर थे, एक विराट व्यक्तित्व, एक विशाल कृतित्व उनके, जिनको आने वाले समय प्रेरणा बनेंगे आने वाली नस्लों के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आज चर्चा हुई, कुछ संस्मरण सुनाए गए, कुछ अपने उनके विषय में बताया गया, आने वाली पीढ़ी उसको जान रही है। अटल बिहारी वाजपेयी वास्तव में आज का जो भारत है जिसको मोदी जी और योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं उसके बीजारोपण अटल जी ने किया था, उसके नींव में अटल जी के ही कृतित्व और उनके संकल्प। आप कुछ उच्च शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा चले, इससे पहले लॉर्ड मेघालय की दिल्ली शिक्षा पद्धति से शिक्षा चल रही थी। लोग कहते थे कि शिक्षा पद्धति बदलाव होना चाहिए, तो या बदलाव करो, ना तो बदलाव करो कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, ना चाहिए कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था। हमारे नेता मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिया और उसके अनुरूप शिक्षा हो, उसके मूल बिंदु शिक्षा संस्कार से जुड़े, शिक्षा तकनीक से जुड़े, शिक्षा रोजगार से जुड़े, इन मूल बिंदुओं की परिधि में पूरी शिक्षा नीति तैयार की गई है और लखनऊ विश्वविद्यालय इस बात का गौरव हासिल रखा है उसने, पूरे देश में पहला विश्वविद्यालय है जिसने
उसको पूरी तरह अनुपालन किया, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह अनुपालन हो। मैं प्रदेश का शिक्षा मंत्री हूँ, अपने प्रदेश में कोशिश करूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अक्षर से पालन हो और आने वाले पीढ़ी को नई शिक्षा नीति के अनुसार